ठीक है सर, चलिए बढ़िया। ठीक है, तो एच ई की मास मैंने आपको बताई 4 यूनिट्स होती है। ठीक है, आई होप आपको ये मास नंबर इससे याद होंगे। अगर नहीं याद है तो प्लीज 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 एटलीस्ट टॉप 20 एलिमेंट्स जो हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनके एटॉमिक नंबर्स और उनके एटॉमिक मासेस को एकदम फिंगर टिप्स पर याद रखिए। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्प करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में भी। तो अगर किसी को नहीं याद है, आई अज्यूम कि आप सबको याद है, अगर नहीं याद है तो एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा सेम क्या दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा सेम दिया हुआ है। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 m³v। ये किसके लिए होता था, चार्ज पार्टिकल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था। अच्छा, लैम्डा मेरा कह रहा है कॉन्स्टेंट दिया है, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच मेरा कॉन्स्टेंट होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, टू तो कॉन्स्टेंट है ही, डजेंट मैटर। चार्ज, चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज में मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया हुआ है 500 वोल्ट्स है। चार्ज का अभी मेरा फिक्स्ड नहीं है कि चार्ज मेरा क्या होने वाला है। ठीक है, चार्ज का मेरे पास कोई फिक्स्ड चीज नहीं है अभी। ठीक है, अब देखो, जब मेरा लैम्डा सेम है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म दोनों चीजों के लिए सेम होने वाला है। समझ आ रहा है, चार्ज वेरिएबल है, मैं उस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया है मैंने। मास मुझे पता है वेरी हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है एक का मास 2 यूनिट होता है, एक का मास 4 यूनिट होता है। ठीक है, एच कांस्टेंट है मेरा, लैम्डा कांस्टेंट है मेरा, चार्ज मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा चार्ज सेम होने वाला है। क्यों सेम होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में एक और टर्म दिया हुआ है, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, सिंगली आयोनाइज्ड। अगर मैं बात करूं तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो होता है एच प्लस, एच ई टू प्लस, एल आई थ्री प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एच पर चार्ज कितना है प्लस, एच ई पर चार्ज कितना है टू प्लस, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सिंगली आयोनाइज्ड चार्ज, सिंगली आयोनाइज्ड। जब सिंगली आयोनाइज्ड की बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हीलियम है वो एच ई प्लस के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एच ई टू प्लस उसका सबसे स्टेबल स्टेट होता है, पर एच ई प्लस भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो एच ई प्लस है यहाँ पे। अब एच प्लस और एच ई प्लस दोनों में मेरा क्या है, क्यू सेम है। ठीक है, चार्ज मेरा दोनों आ गया, सेम आ गया। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था, लैम टू इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 m³v, इसमें ये सब सेम हो गया। मेरा वेरी क्या कर रहा है, मेरा वेरी बस मास कर रहा है यहाँ पे अब। ठीक है, तो अब सारा खेल मैं किस चीज के लिए करूंगा, मास के लिए करने वाला। लैम्डा दोनों का सेम है, क्या मैं लिख सकता हूं एच अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ हाइड्रो, ड्यूटेरियम को मैं डी से एम डी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ड्यूट्रॉन और हीलियम एटम है मेरा, इसके मास को मैं एम डी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हीलियम के मास को MHe। ठीक है, इंटू क्यू तो दोनों में सेम है, इंटू वी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ हीलियम को मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, MHe इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां से मैंने काटा अंडर रूट को मैंने काटा, 2 को 2 से काटा, क्यू को क्यू से काटा, वी को वी से काटा। अब क्या बचा, 1/MD अंडर रूट इज इक्वल टू 1/√ MHe। निकालना क्या, निकालना क्या था, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल। अच्छा, ड्यूट्रॉन का एक्सेलरेशन 500 वोल्ट्स दिया हुआ है हमें, एक्चुअली वी डी निकालना है, मैंने दोनों को कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लिया, सॉरी सॉरी। ये हो जाएगा वी डी और ये हो जाएगा वी एच ई, एक स्टेप गड़बड़ हो गया पीछे, मिस्टेक। हाँ, यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा ये वी डी, इसके लिए हो जाएगा ये वी एच ई, ये कटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। इसके लिए वी डी की वैल्यू दी हुई है,
500 वोल्ट्स VHE हमें कैलकुलेट करना है। तो मेरा यहाँ पे कट कुट के सब बचता है, अंडर रूट MD इंटू VD इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट MHE इंटू VHE। अगेन मैं रूट को रूट से हटा दूंगा, दोनों को जब रेसिप्रोकल लूंगा तो आ जाएगा MD इंटू VD इज इक्वल टू MHE इंटू VHE। अब बस वैल्यू पुट करना है। मास ऑफ ड्यूट्रॉन मुझे पता है कितना होता है, 2 होता है। वॉल्यूम ऑफ ड्यूट्रॉन मुझे दिया हुआ है, वोल्टेज ऑफ ड्यूट्रॉन 500। मास ऑफ हाइड्रो हीलियम एटम मुझे पता है 4 होता है। वॉल्यूम ऑफ हीलियम एटम सॉरी वोल्टेज ऑफ हीलियम एटम मुझे निकालना है। यहाँ से अंडरस्टूड है वी एच ई कितना हो जाएगा, ये 1000/4 यानी कि 250 वोल्ट। तो वोल्टेज ऑफ हीलियम एटम आ गया मेरे पास 250 वोल्ट। ये था मेरा क्लियर सर को फर्स्ट क्वेश्चन। सारी चीजें दी हुई थी, दो इक्वेशन को इक्वेट करके एक वैल्यू निकालना था जो अननोन वैल्यू है। यस सर क्लियर। जुवेरिया दीपिका आप लोग को भी क्लियर है बेटा? यस सर। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो एक बीच का क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो मैंने हटा दिया है क्योंकि पता चला था कि आप लोगों मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। नहीं तो अभी के लिए मैंने हटा दिया है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। उसमें बस बीच में एक फॉर्मूला आता है फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड का, उसी पे वो बेस्ड है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। रेशियो ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा का रेशा है, पूछा है। इस बार क्या कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम कर दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिया है मतलब कि वी की जो मेरी वैल्यू है वो सेम कर दी गई है, ठीक है। और हमें पूछा किस चीज का रेशियो है, लैम्डा का रेशियो पूछा है। ये फॉर्मूला हमें पता है। वैरी यहाँ पे सबके साथ क्या कर रहा होगा, सबका मास वैरी कर रहा होगा और सबका सबका चार्ज वैरी कर रहा होगा। अच्छा प्रोटॉन का मास कितना होगा, मास होगा 2 यूनिट। क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1। ड्यूट्रॉन के केस में क्या होगा, सॉरी इसका मास 1 होगा, प्रोटॉन का मास तो 1 होता है। प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के आइसोटोप के फर्स्ट आइसोटोप के बराबर होता है जो कि होता है प्रोटियम। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 2 यूनिट्स। चार्ज कितना, 1। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बताया था, अल्फा पार्टिकल Hg2+ को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसका मास कितना होगा, 4 यूनिट। इसका चार्ज कितना होगा, 2। बस अब सबको वहां पे रख देंगे इक्वेशन में। कैसे कैसे रखेंगे, लैम्डा हम लोगों को पता है, एच अपॉन अंडर रूट 2 mq v, ठीक है। रेशियो निकालना है तो तीनों के लिए मास और चार्ज करेंगे, एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू वॉल्यूम तो सेम है सबका, एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे बीच में क्या आएगा, रेशियो रेशियो इज टू एच अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वॉल्यूम। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये 3 रेशियो में आ गए। एच 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 कटा, सबके स्क्वायर रूट्स कट जाएंगे यहां से, 2 और 2 और 2 कट जाएगा, वी से वी से वी कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा घूम फिर करके, 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू
वन अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू वन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन हो गया हम लोग कंसिडर कर लिया, ड्यूट्रॉन हमने कंसिडर कर लिया, और अल्फा पार्टिकल हमने कंसिडर कर दिया। ठीक है, अब देखिए वन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। मास ऑफ प्रोटॉन हमने बताया था, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1 यूनिट। तो ये हो जाएगा 1 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, वो भी 1 यूनिट होता है। तो 1 इज टू 1 अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन हमने क्या बताया था, मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है 2 यूनिट, और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज टू 1 अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने कितना बताया था, 4 होता है, 2 प्लस 2 प्लस हीलियम होता है अल्फा पार्टिकल एक्चुअली। चार्ज कितना पार्टिकल कितना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इज टू 1 बाई 2 इज टू 1 बाई 8। ये बन जाएगा मेरा रेशियो 1 इज टू 1 बाई 2 इज टू 1 बाई 8, 1 इज टू 1 बाई रूट 2 इज टू 1 बाई 2 रूट 2। आंसर तो आप लोगों को लग रहा होगा गलत आया है, यहाँ तो कुछ और ही आंसर है, सर का आंसर तो कुछ और ही आया है। पर प्यारे बच्चों याद कीजिए, ये क्या है, ये है रेशियो। रेशियो किसी भी फॉर्म में जा सकता है। इसी सेम चीज को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1 इज टू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 2 इज टू 1 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 8। ये रहा मेरा आंसर, ये रहा इसका स्क्वायर्ड आंसर। तो रेशियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रेशियो एक्चुअली फ्रैक्शन होता है, सिंपलेस्ट टर्म में आप लोग कर सकते हैं उस चीज को। सारे आंसर्स पर अगर मैं इसमें 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2 इज टू 2 बाई 2 इज टू 2 बाई 8, यानी कि 2 इज टू 1 इज टू 1 बाई 4 भी इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा। तो रेशियो का आंसर कुछ भी हो सकता है, आपको देखना होगा कि आपने जो आंसर लाया है, और ऑप्शन में अगर थोड़ा डिफरेंट है, ऐसे यूजुअली ऑप्शन में डिफरेंट नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत स्क्वायर स्क्वायर करके मैनेज करना होता है, या बाई 2 इंटू 2 करके मैनेज करना होता है। ठीक है, तो आंसर सही, सारे सही होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है, और उस तरह इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? यस सर, क्लियर। दीपिका, जुबेरिया, आप लोगों को क्लियर है बेटा? यस सर, चलिए। तो यहां हो गया हमारा एटम्स चैप्टर खत्म। स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट से। तो न्यूक्लियस क्या होता है, आप लोग सब कुछ जानते होंगे न्यूक्लियस क्या होता है। बहुत बार फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में, कहीं न्यू ना कहीं न्यूक्लियस के बारे में सुना होगा। 8th 9th क्लास से हम लोग जनरली न्यूक्लियस के बारे में सुनने लगते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है, हम कहते हैं कि एक एटम है हमारे पास। ठीक है, एटम के अंदर जब हम लोग कोर में घुसते हैं ना, एटम क्या होता है, एटम तो सबसे पहले हमारा जो स्मॉलेस्ट मास, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स को मिला करके बनता है हमारा पूरा बॉडी। एटम्स का जो स्मॉलेस्ट कोर में जाते हैं एटम के सेंटर में, तो एटम के सेंटर में 3 चीजें हमें मिलती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको हम लोग कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले के जमाने में ये माना जाता था कि इसके नीचे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है इन इन पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स से छोटी चीज को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। पर अब जैसे जैसे हमारी साइंस बढ़ी हुई है, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग इनको भी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को भी ब्रेक किया जा सकता है। तो खैर ये तो किसी और दिन के टॉपिक की बात रही, फिलहाल वापस आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे, न्यूट्रॉन्स पे। तो एक बेसिक मॉडल जो हमेशा आप लोगों के दिमाग में रहता होगा इन चीजों को लेकर के, वो ये है कि यहाँ कुछ हमारा सेंटर होता है, और ये हमारा कुछ ऑर्बिट होता है। अब ये जो ऑर्बिट होता है,
इस ऑर्बिट पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं, बाहर आउटर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रोटेट कर रहे होते हैं। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर में मेरे पास दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि जो एक एटम का जो मास आ रहा है, वो मास कहाँ से आ रहा है? प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास आता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हम लोग अभी देखेंगे कि नेग्लिजिबल होता है। तो एक एटम को जो भी मास दिया जा रहा है, जैसे जब हम बात करते हैं कि अभी 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 हमने बात की कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 है, न्यूट्रॉन का मास 2 है, तो ये सब जो मास है ना, ये सारा का सारा मास उनके प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला के आया है। उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, एक चीज और आई, गई होप आप लोग याद होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जो होता है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होता है इसको हम लोग कहते हैं ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई अपनी फिक्स चार्ज, न्यूट्रल रहता है। तो ये था हमारा बेसिक एटम का स्ट्रक्चर और उसकी अंडरस्टैंडिंग। वापस आते हैं, तो न्यूक्लियस सबसे पहले होता क्या है? सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम, हर एक एटम का जो सेंट्रल कोर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। यहां पर जो ये वाला पार्ट हमने बात करी, इस वाले पार्ट की, ये पार्ट ही एक्चुअली में मेरा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड इन अल्फा पार्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड साहब ने एक एटम के आसपास से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को गुजारे थे, तो उन्होंने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सेंटर के पास से जो गुजर रहे हैं वो डेविएट कर रहे हैं थोड़े थोड़े से, बाकी पार्टिकल्स पास कर जा रहे हैं पर जो सेंटर के पास से गुजर रहे हैं वो डेविएट कर जा रहे हैं। तो उस डेविएशन को उन्होंने क्या रीजन दिया था? पर आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा, पर ठीक है, नॉलेज के लिए अच्छा होगा आप लोगों के। अगर आप लोगों को नहीं आता तो एक बार रिकैप भी हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था ना, उसने ऐसा एक शीट, ठीक है, तो ठीक है, यहां से उसने स्कैटर है। अब इस शीट की भी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, ये गोल्ड फॉइल की शीट थी, बहुत थिन शीट थी, सिल्वर से पैक्ड थी पीछे से। उतनी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ कि उसने क्या किया था। उसने पीछे एटम रखे थे, यहां से शीट को उठाई, उसने क्या देखा ना, ऐसे ऐसे लाइन जा रही हैं, ये लाइन पास कर गई, ये लाइन थी वो भी स्ट्रेट पास कर गई, ये लाइन जो थी वो भी स्ट्रेट पास कर गई, ये लाइन स्ट्रेट पास कर गई, ये लाइन हल्की सी डेविएट हो गई, ये लाइन भी हल्की सी डेविएट हो गई। और जैसे ऐसे लाइन सेंटर के पास जा रही थी ना, लाइन्स और ज्यादा डेविएट होते जा रही थी, टर्न ले जा रही थी, और एक लाइन थी जो बीच से गई और इसी लाइन में वापस आ गई, स्ट्रेट लाइन में। तो उसने ऐसा एज्यूम किया ना कि चूंकि अल्फा जो है मेरा वो क्या था, अल्फा पार्टिकल्स He2+ होता है, पॉजिटिव चार्जेस है। अगर पार्टिकल यहां से जा रहा है इस पार्ट से, और इस पार्ट से अगर मेरा पार्टिकल क्रॉस कर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको रिफ्लेक्ट कराएगी, यानी कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल भेज रहा हूँ और वो डेविएट नहीं कर रहा है, मतलब उसको कोई रिपेल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल को एक नेगेटिव पार्टिकल ही है जो रिपेल नहीं करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वहां पे पक्का पक्का इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसलिए उसने पास करने दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहा होगा, उसे पास करने दिया। पर यहाँ पे सेंटर के आसपास उन्होंने कहा ना कि ये जो मेरा सेंटर है, ये सेंटर रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्जेस को, मतलब कि इस सेंटर में ऐसी कोई चीज बैठी हुई है इस सेंटर के पास, इस सेंटर में, जो कि मेरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है, उसको उसका पाथ डेविएट करवा दे रही है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि एक पॉजिटिव चार्ज को कौन डेविएट करा सकता है। तब तक ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी कि हम लोग माइक्रोस्कोप लें और जूम करके इलेक्ट्रॉन्स को देख सकें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं आए थे, ये बस एजम्पशन में चल रहे थे ये। तो
तो एक पॉजिटिव चार्ज कौन डेविएट करा सकता है? एक और पॉजिटिव चार्ज जब प्लस और प्लस आते हैं तो रिपल रिपल होता है, डेविएट करेंगी पाथ। तो एक पॉजिटिव चार्ज को रिपल कौन करा सकता है? यहाँ पे बैठा हुआ एक और पॉजिटिव चार्ज। तब तक उनको इसका नाम नहीं पता था, उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था कि प्रोटॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है, ऐसा कुछ नहीं पता था। उनको पता था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठा है, और उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को कह दिया ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो बीच में पॉजिटिव चार्ज बैठा है वो न्यूक्लियस है। बाद में जब फर्दर डिस्कवरीज हुई तो उसमें पता चला कि इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे दो चीजें हैं एक्चुअली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन वो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी बात रदरफर्ड साहब कर रहे थे, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज है जो वहां अंदर बैठा हुआ है। तो ये था रदरफर्ड का बहुत फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्होंने न्यूक्लियस का पता लगाया था। ये डिटेल में आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक्स में या फिर कहीं और, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो जानने में तो और जगह मिल जाएंगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट बोर्ड्स में या एनसीईआरटी में होगा तो इसको जरूर रीड कीजिएगा। काफी टेक्निकल चीजें हैं इसमें कि ये एक पोलोनियम आयन था और ये गोल्ड शीट थी, पीछे सिल्वर किया हुआ था इसको, तो कैसे कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था इसका। इसे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि उन्होंने सिर्फ अज्यूम किया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस और उसको न्यूक्लियस कह दिया, बाद में पता चला कि वहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी है। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल पार्ट है, एनसीईआरटी में मिलेगी, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये था। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज इज 10^-15 मीटर और फर्मी मीटर, बाय द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज 10^10 मीटर, 10 मीटर और एंगस्ट्रॉम। जो जो एटम है उसका रेडियस जो होता है वो होता है 10^-10 मीटर, जिसको कि हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। एक तो वेरी करता ही है, पर ये उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब कोई 1 × 10^2 हो सकता है, कोई 2 × कोई 3 × तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यही रहता है। और जो न्यूक्लियर है उसको हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर होता है 10^-15 मीटर का ऑर्डर, और 10^15 मीटर को हम लोग 1 फर्मी मीटर भी कहते हैं। तो आगे से आप लोग जितने भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें देखिएगा हम लोग FM का यूज कर रहे हैं, फर्मी मीटर कहते हैं इसको, फर्मी इसको हम लोग कहते हैं फर्मी मीटर। ठीक है, तो आगे से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 10^-15 बहुत छोटा हो जाता है तो बार बार उसको मल्टीप्लाई करना बहुत हेक्टिक काम है। तो सारे क्वेश्चंस फर्मी मीटर में आते हैं और सॉल्यूशन भी हम लोग फर्मी मीटर में प्रोवाइड करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर रेफर्ड एज न्यूक्लियॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में यूज होगा न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कितने, याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अ न्यूक्लियाइड इज रिप्रेजेंटेड बाई AXZ। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग आगे कुछ भी पढ़िएगा कहीं भी नहीं बताएगा कि एक पार्टिकल का एटॉमिक मास कितना है और एटॉमिक नंबर कितना है, हमेशा AZX के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ए क्या होता है, एक्स क्या होता है और जेड क्या होता है। ए होता है मेरा मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों हैं और वही दोनों मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है हमेशा। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक नंबर की मतलब कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाला जाता है, पर कब, जब ये अनचार्ज्ड पार्टिकल है, अनचार्ज्ड पार्टिकल है, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल आता है ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो हमेशा कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि जब मैं Fe की बात कर रहा हूं ना, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो Fe में 26 इलेक्ट्रॉन्स और 26 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर किसी बच्चे ने याद करके रखा है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो भी कहेगा कि Fe का एटॉमिक नंबर 26 है। और अगर किसी ने याद करके रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एटॉमिक नंबर, तो वो भी कहेगा 26 है। पर जब मैं Fe2+ की बात करने लगूंगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 26 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 है, पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो दो कम हो गए हैं, 24 हो गए हैं।
तो अगर किसी ने ये याद करके रखा है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, तो वो यहाँ पे गड़बड़ कर देगा। तो आप लोग बेटर होगा कि याद रखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, या फिर थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं जैसे मैं दिमाग लगाता था, मुझे कभी प्रोटॉन्स के नंबर से याद नहीं रहा था, मैं हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से याद करके रखता था, तो मैं माइनस कर देता था कि इसके एटॉमिक नंबर 26 है, दो इलेक्ट्रॉन कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 24 26 ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करता था इसको कैलकुलेट, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, बट आई रिकमेंड, क्योंकि मैंने कभी कभी में कंफ्यूजन फेस किया है, तो आई रिकमेंड कि आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसको हमेशा याद रखिएगा। एक्स ए और जेड, एक्स जो होता है वो आपका सिंबल होता है, जेड जो होता है वो आपका, देखिए यहाँ पे मास नंबर होता, एटॉमिक नंबर होता है, और ए जो होता है वो आपका मास नंबर होता है। ठीक है, जेड हो गया एटॉमिक नंबर और ए हो गया मास नंबर। जैसे कि अगर मुझे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं H H1 रिप्रेजेंट करूंगा, वन उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। एच ई को रिप्रेजेंट करूंगा तो 2 4 HE ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पे कभी कभी चार्ज रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज टॉप मोस्ट कॉर्नर पर रिप्रेजेंट किया जाता है आगे में। ठीक है, राइट टॉप कॉर्नर पे चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है एक एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत बेसिक सा ज्ञान है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में हर बार ये ऐसा ही बना के दे दिया जाएगा किसी भी रैंडम एटम का, आप लोगों को खुद से निकालना होगा कि इसमें से ये इसका मास नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और अब मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी मास नंबर एटॉमिक नंबर दिया हुआ नहीं रहेगा, इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देगा बस। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, एटॉमिक मासेस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मासेस को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट AMU में याद रखते हैं, इसको ए तो आप AMU कहते हैं या सकते हैं या यू भी कह सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना कि इसका मास 1 है, इसका मास 4 है, न्यूट्रॉन का मास 2 है, वो सब एटॉमिक मास यूनिट थी। ये जो HE का मास है इसको 1 AMU या फिर 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये जो 4 है इसको 4 AMU या फिर 4 यूनिट कहते हैं, कोई ग्राम में नहीं है, ये एटॉमिक मास यूनिट है, इसको ग्राम में कैसे चेंज करना है वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना, वो होता है मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। C12 एटम क्या होता है, कार्बन 12, जैसा कि दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन में, कार्बन 12 एटम होता है ये। ठीक है, कार्बन 12 क्या होता है, C6 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें से वो वाला आइसोटोप जिसका कि मास नंबर 12 है, इसको हम लोग एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये सब चीजें समझ में नहीं भी आ रही हैं कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर होता है, 1.66 × 10⁻²⁷ kg के बराबर होता है, इतना ही याद रखिएगा, कोई होगा कभी भी, होगा कभी भी जिंदगी में, नहीं मेला नहीं होगा, तो ये आप बस याद रख लीजिएगा। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ जाता है ये किससे कंपेयर करते हैं, तो याद रखिएगा कि C12 एटम से कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 एटम से कंपेयर करके ये बनाया जाता है। अच्छा, इसी को लेकर के हमारे पास आता है हमारा अगला, जो बहुत इंपॉर्टेंट याद करने वाला पार्ट है, वो है मासेस ऑफ ऑल द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मास ऑफ प्रोटॉन इतना लंबा सा याद करके नहीं रखना है, याद रखना है इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है मास ऑफ प्रोटॉन। जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था एटम्स का, याद कीजिए मैंने उसमें प्रोटॉन का मास 1 U लिया था, ये वही 1 AMU है। मास ऑफ न्यूट्रॉन अगेन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन का जो मास है थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, तो पर इसको भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आ जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास ज्यादा है, तो याद रखिए मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, से 1.007 है और 1.008 है, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है प्रोटॉन से। क्वेश्चन में एक बार डायरेक्ट आ चुका था ये, लोगों ने इक्वल करके आया था, पर वो आंसर गलत था। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 AMU मानते हैं,
पर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास आप देख सकते हैं 0.00005 होता है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली जीरो ही मानते हैं, 0 AMU मानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है उसको 0 AMU मानते हैं। रेस्ट मास मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, आगे चल के आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है ना तो उसकी मास को हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं, ये मास इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पर है तब उसका रेस्ट मास है। तो खैर अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिए कि मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 AMU। हाँ इलेक्ट्रॉन का ये वाला मास याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आता है ये, जब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होंगे, फिजन और फ्यूजन के बारे में, तो यहाँ पर ये वाला बहुत टर्म बहुत काम आएगा। तो एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा 9.1 × 10⁻³⁻ kg या फिर AMU में ऑलमोस्ट 0 AMU। ठीक है, इतनी सारी थी बेसिक चीजें पूरे न्यूक्लियस के बारे में। बेसिक्स सबके क्लियर है न्यूक्लियस को लेकर के, किसी को कोई डाउट नहीं न्यूक्लियस के बेसिक्स पर? न्यूक्लियस क्या होता है, क्या क्या वैल्यूज होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, उनकी मासेस क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू जरूर याद रखिएगा, 1.66 × 10⁻²⁷ kg वाला, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उससे, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज या हाउ मेनी ग्राम्स, तो वो कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा, भले C12 वाला अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्किप कर दीजिएगा। क्लियर है सब कोई को? दीपिका, मालिनी, यस सर हाँ। चलो याद रखना इन चीज़ों को, मुझे अपने टाइम पे बहुत झंझट हुई थी इन चीज़ों को लेकर के, अंत में मैंने एग्जाम के पहले पेन पेपर में लिख लिख करके याद किया था मैंने, तो याद रखिएगा इन कन्वर्जन्स को, भूलिएगा नहीं, अपने फिंगर टिप्स पर याद रखिएगा। और वो रिप्रेजेंटेशन भी मुझे अभी भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है रिप्रेजेंटेशन में, बट आई होप कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे और आप लोग अपनी साइड से याद करके रखेंगे। एटॉमिक मास के ए क्या होता है, जेड क्या होता है, एक्स क्या होता है, और ऊपर नीचे कौन आता है, ठीक है, याद रखिएगा वो चीजें। इतना सब होने के बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में। अब न्यूक्लियाई क्या होती है, तो अभी तक जो आप लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हम मैं कह रहा था आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आप आ गया आपका उसका पार्ट न्यूक्लियाई में इसको ये आपका आइसो। तो न्यूक्लियाई बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ऐसे तो होते बहुत तरह के हैं, 4-5 तरह के होते हैं, पर जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 तरह के हैं। एक है आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होता है, दो ऐसे न्यूक्लियस जिनका कि जेड सेम है। जेड सेम है मतलब याद है जेड क्या होता था, जेड होता था एटॉमिक नंबर। दो ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, सेम जेड बट डिफरेंट ए। ठीक है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। इसको यहां देख लेते हैं बेटर होगा। तो आइसोटोप्स में मैं हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3 की बात करूंगा। ये तीनों बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो बहुत प्रोबेबल है आने के। इसको कहते हैं प्रोटियम, जिसका कि मास नंबर 1 होता है। इसको कहते हैं डीयूटेरियम या फिर डेट्रॉन जो आप लोग कर रहे थे, और ये होता है मेरा ट्रिटियम। ट्रिटियम एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1 1 1 1, मास नंबर क्या है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है मास नंबर। ठीक है, यही अंतर था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। याद करना बहुत आसान है, इसमें ड्यू लग रहा है, डुओ लग रहा है मतलब कि 2, और इसमें ट्राई लग रहा है मतलब कि 3, बाकी बचा ये प्रोटियम 1। इनमें से ट्रिटियम जो होता है याद रखिएगा ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। नीट के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज अ रेडियो एक्टिव। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, आइसोटोप ट्रिटियम जो है आपका वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे।
इसी चैप्टर में दो तीन लेक्चर के बाद, दो तीन नहीं, एक या दो लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीक में आप लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे होंगे, तब मैं बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल के लिए याद रख लीजिए कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ट्रिटियम, ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, इनका देख सकते हैं आप मास है सेम है, सॉरी मास नंबर डिफरेंट है पर एट सेम नंबर सेम है, सेम सेम जैसे बताया था, किस बताया था किसके बाद, फन 12 फन 12 C12 जो हमने यूज किया था। कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं C6 12 और C6 14, ये कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक मास दोनों के छः छः होते हैं 14, पर जो मास नंबर होता है वो 14 होता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि हम लोग कंपैरिजन के लिए कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, तो याद रखिएगा C6 12 यूज कर रहे होते हैं हम लोग कंपैरिजन के लिए। जो एटॉमिक मास यूनिट हमने निकाला था वो C6 12 की वजह से निकाला था, C6 14 को नहीं कंपेयर करते, ये भी दूसरा एक आइसोटोप है कार्बन का। तो ये होता है आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। दूसरा होता है हमारे पास आइसोबार्स, आइसोबार्स जस्ट अपोजिट टू आइसोबार आइसोटोप्स, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, मास नंबर दोनों के सेम होने वाले हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास ये जो मेरा C6 14 है, C6 14, अगर मैं इसको नाइट्रोजन से कंपेयर करूँ 7 14, ये देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है। इन दोनों को हम लोग कहेंगे ये दोनों क्या है, आइसो बार्स है, हमारे आइसो बार्स है। तो कार्बन का जो C14 है और जो नाइट्रोजन का N14 है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है, एटम्स भी अलग अलग हैं पर दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं आइसो बार्स। तीसरा होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, जिसमें सेम ए माइनस जेड, ए माइनस जेड क्या होता है, ए माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले को हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। अब जैसे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, मैंने बताया था 14 क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 6 क्या होता है, सॉरी 6 क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 14 क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितना है 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा यहाँ से 8। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसके पास 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 14 माइनस 7 यानी कि 7। इन दोनों का न्यूट्रॉन नंबर सेम है, नहीं नहीं सेम है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कह देंगे, ये लोग आइसोटोन्स नहीं है, ठीक है। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनका ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ये कैलकुलेट करना सीख जाओ, ए माइनस जेड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू, ए माइनस जेड ऊपर को नीचे से माइनस कर देना तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है उनको हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। इमेजिन करो कोई कौन सा ऐसा एटम हो सकता है जिसका नंबर ऑफ आइसोटो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या होता है 8 और 16, और C6 14 की दोनों की, इन दोनों की मैं अगर बात करूं तो देखो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 8, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है बेटा 16, इसका नंबर ऑफ कितना है प्रोटॉन्स 6, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 14 माइनस 6 8, ये भी 8 है, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 8। तो देखो देख रहे हो ये दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों क्या है मेरे आइसोटोन्स हैं, ठीक है। तो तीनों के मैंने आपको एक एक एग्जांपल बता दिए, आइसोटोप्स का एग्जांपल बता दिया, आइसोबार्स का एग्जांपल बता दिया, आइसोटोन्स का एग्जांपल बता दिया। याद रखिएगा इन चीजों को, एग्जांपल्स क्वेश्चन में आते तो नहीं है पर पूछ लेते हैं, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा इनमें से कौन सा आइसोटोप्स है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे आइसोटोप्स या आइसोबार्स या आइसोटोन्स कौन सा है इनमें से। तो दो तीन ऑप्शन दिए रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका कंडीशन लगा करके बस कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा एक और होता है फोर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स,
ये होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि नाम बता रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज करो कोई दिया हुआ रहे Fe2+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक का एटॉमिक नंबर से दो चार, से दो चार पॉजिटिव है, तो Fe का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 26 होता है। अच्छा, और दो प्रोटॉन्स इस पे एक्सेस में है, दो प्रोटॉन्स एक्सेस में है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे इस पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके पास, 24 है। देख सकते हो 26 - 24 कितना हो जाएगा, +2 आएगा, +2 चार्ज है इसका, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका 24 दिया हुआ है। तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेना, और जो दूसरा कोई एलिमेंट दिया हुआ होगा जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ होगा, उन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब कैलकुलेट करोगे, अगर वो दोनों सेम आते हैं तो कह देना कि वो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या आइसो इलेक्ट्रॉन्स है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर क्लियर है सबको, को थोड़ा सा ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट है पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉन्स, चार चीजें हैं। क्लियर है सबको को बेटा? यस सर। जवेरिया, मालिनी, आप लोग को भी क्लियर है बेटा? यस क्लियर, चलो बढ़िया क्लियर। तो अब आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक तो साइज की प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगला है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होता है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास क्या होता है न्यूक्लियस का एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में, और डेंसिटी क्या होती है मेरे न्यूक्लियस की। ये चार चीजें हैं, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है आज की क्लास एकदम, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आज की क्लास में, न्यूक्लियस के बेसिक्स में, बेसिक्स एकदम क्लियर है न्यूक्लियस के। यस सर क्लियर, चल क्या ठीक है, एवरीथिंग क्लियर सर, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा आज के भी, और होपफुली कल वाले नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, वेबसाइट अब हमारी ठीक हो गई है, कल थोड़ी सी बहुत दिक्कत थी, तो मैं कल वाले नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। नोट्स को गो थ्रू कीजिएगा, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने आज बताए हैं, बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग इस पार्ट को भूल जाइएगा, तो प्लीज 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 नोट्स घर जाकर के रिवाइज कीजिएगा, ताकि कल तक ये चीज़ याद रहे, और कल तक क्या हमेशा ही याद रहे। मैं नोट्स अपलोड करूंगा, 1-2 घंटे में आप लोगों को दिखने लगेगा वो नोट्स, उसके बाद उस चीज को जरूर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, जितने बेसिक्स मैंने बताए हैं, या तो नोट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू, दोनों में से जो भी आप लोगों को बेटर लगे, बट रिवाइज जरूर कीजिएगा उसको। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।